लो भैया, गुड मॉर्निंग हो गई है, 9 बज रहे हैं। चंद्रताल लेक से 3 किलोमीटर नीचे ये कैंपिंग है और नाश्ता करने की तैयारी में लगे हुए हैं। 3 जन तो हमारे नाश्ता कर भी रहे हैं सामने ही। चार ही बोला था ना, चार ही बोला था ना। नाश्ता कर रहे हैं। इससे 3 किलोमीटर अभी ऊपर जाएंगे हम, जिसमें 2 किलोमीटर आपका गाड़ी से आ सकते हैं और 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से शिशु के लिए। यहाँ से फिर आपको एंट्री करानी है चेक पोस्ट, एक आपको फिर से यहाँ से रजिस्टर करा के फिर आप चंद्रताल लेक की तरफ निकलोगे। गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है और यहाँ से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट है। जो ट्रैकिंग है वो 1.5 किलोमीटर की बता रहे थे यहाँ पे सब लोग, जो हमने पूछा था। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का ख़तरा है, इसलिए यहाँ पर आप कैंपिंग नहीं कर सकते। चेतावनी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैक है यहाँ से पूरा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, बहुत वैसे इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ट्रैक। धूप हो रही है फिर भी हवा शीतल चल रही है एकदम, तो काफ़ी टफ हो रहा है ट्रैक करना। ट्रैक तो इजी है लेकिन वो सांस फूल रही है चलने में बहुत ही ज़्यादा। जो आप जो लेक हम देखने जाते हैं उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबा सफ़र और डिफ़िकल्ट सफ़र हमने पार किया है। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, हमें भी लग रहा था कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत इजी है। लेकिन आज सुबह हमारा मन नहीं था कि हम ट्रैक पे आए और चंद्रताल लेक देखें, लेकिन हमें आप लोगों को चंद्रताल लेक का व्यू दिखाना था और ख़ुद को भी देखना था, तो इसलिए हमने हिम्मत करी और स्टार्ट किया अपना ट्रैक और हम निकल पड़े चंद्रताल लेक की ओर। फाइनली लेक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिखा है कि स्विमिंग करना इसके अंदर अलाउड नहीं है, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्नो लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है बर्फ़ की वजह से। अभी काफ़ी ऊपर हैं स्नो लेपर्ड, अभी यहाँ पर भी आ जाते हैं स्नो लेपर्ड। अगर आपको देखना हो तो स्नो लेपर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर आके। फाइनली लेक घूम लिया हमने और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है,
अब यहाँ से निकल रहे हैं हम मनाली के लिए। मनाली जाएंगे यहाँ से, उससे पहले शिशु भी रुक सकते हैं हम लोग टाइम के हिसाब से और रोड को देखते हुए, जैसा भी पॉसिबल होगा वो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि थकावट शरीर में बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है। और कल का हम खाना भी कुछ खास नहीं खा पाए थकावट की वजह से। हाँ, ब्रेकफास्ट पे भी हमारा आज अच्छा हो गया है। रवानगी हो चुकी है शिशु के लिए, ट्रैक हमारा ख़त्म हो चुका है और हम यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में, गाड़ी स्टार्ट है हमारी और हम फिर से निकल चुके हैं शिशु के लिए और मनाली के लिए। 5-6 घंटा में लगेगा क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, 60 किलोमीटर का रन है बस, लेकिन रोड ख़राब हो जाए चक्कर में लेट होगा। ओके, मिलते हैं आपको शिशु में। ये रोड देखते हुए मुझे कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है, गाना याद आ रहा है, वो आपको मैं अपनी बेसुरी आवाज में सुनाता हूँ। बेसुरी आवाज इसलिए बोल रहा हूँ कि गला पूरा जाम है, मैं तो थोड़ा अच्छा गा लेता हूँ। तो गाना है कुछ ऐसा, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, आज हम तो गए और देसी की तिराया कोई नहीं, तिराया कोई नहीं। ये रोड इतना गंदा है ना, कसम उड़ान चल लेंगे दोबारा ना आए हम कभी। चंद्रताल से लेक से निकल के 25 किलोमीटर के बाद यहाँ पर ढाबा पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस ढाबा है, चाचा चाची का ढाबा। और ये हमारी चाची, देखना कैसे स्माइल पास करेंगी, ये चाची की स्माइल। और इसी के साथ मैं आपको ढाबे का व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, जो भी चंद्रताल लेक से मनाली की तरफ जाता है और शिशु की तरफ जाता है तो यहाँ तक स्टे करता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे आप लंच करने की पूरी सुविधा है। और ये व्यू देखो आप अंदर का, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे इनकी कुछ चीज़ें भी हैं, उन्होंने बताई हमें। यहाँ पे ठंड के टाइम इन्होंने, जब लोग फंस गए थे तो उन्हें 106 बंदों का उन्होंने रोका था और उनका पूरा खाना पीना सब उनका ध्यान रखा था, जो यहाँ पर पेपर वगैरह में भी आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये सब।
हम मनाली पहुंचने वाले हैं, और मनाली पहुंचने से पहले एक अटल टनल पड़ेगा जो हमें पार करना है, और वहाँ पे स्पीड लिमिट है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और उसी के साथ आपको चलानी है। ऐसे कुछ 60 की 40 की ऐसे लिमिटेड बनी हुई है स्पीड वहाँ पे, तो आप उसका ध्यान रखें। ये हम मनाली पहुँच चुके हैं, ये मनाली का माल रोड जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहीं पर हम डिनर करेंगे। हमने अभी यहीं पर अपने नियर बाय यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दिया है यहाँ पे, ये नितिन भाई हमारे घूमते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबा रन किया है उन्होंने 8 घंटे का, और रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार थे चंद्रताल लेक से अपना यहाँ मनाली तक रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। कभी आएँ तो सडन गाड़ी ना लेके आएँ, ये ध्यान रखें। और हमने डिसाइड किया है आशियाना रेस्टोरेंट में हम डिनर करेंगे, और ये रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। काफ़ी थके हुए हैं लॉन्ग ड्राइव के बाद, थोड़ा हमें यहाँ से फ्रेश हो जाएंगे और रिलैक्स फील करेंगे, इसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड काफ़ी टफ हो गए हैं और स्लो हो गए हैं, और जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। हमें कम से कम यहाँ 2 घंटे लग चुके हैं रुके हुए, और काफ़ी देर से हम सोच रहे हैं कि कब खुलेगा, लेकिन जाम नहीं खुल पा रहा है। पता नहीं कितना समय लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का होने के बाद कुछ पता नहीं रहता कि वो कब रोड पहाड़ों पर क्लियर होंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है। चलो हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है और हम कब निकल पाएंगे और हम कब दिल्ली पहुंच पाएंगे। वैसे तो हमें बहुत ज़रूरत जल्दी थी कि दिल्ली हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे इस जाम को देखते हुए लग नहीं रहा कि मैं दिल्ली जल्दी पहुंच पाऊंगा। मनाली से डिनर करके हम निकले थे, उसके बाद हम चंडीगढ़ रुके, वहाँ पर हमने चाय वगैरह पी, और हम 12 बजे तक अपने घर पहुँच चुके हैं दिल्ली में।